ने कहा कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, पर सच्चाई तो ये है कि मुझे शब्दों की जरूरत नहीं है। वो मेरे हैं और मैं उनकी। जब भी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, वो मेरी रोशनी बनकर आते हैं। पानी की लहरों में उनकी आवाज सुनाई देती है, हवा का रुख उनकी खुशबू लेकर आता है। मेरी सांस, मेरे रग रग में, मेरे दिल में सिर्फ वो है। मैं दिल हूं और वो धड़कन है। हाँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे हर एक शब्द को मतलब तो वो देते हैं। मेरी जिंदगी की किताब सिर्फ उनसे बनी है, सिर्फ उनसे। ये देना। क्या हुआ? बताती हूँ, रुको तो। लो, अब इसे पढ़ो। डेनिस, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ लेती यार? अरे लेकिन मुझे पढ़ना नहीं पसंद, और वैसे भी जिस राइटर ने लिखा है, जब वो बोलता है तो उसकी फीलिंग्स अलग आती है, तो प्लीज पढ़ो ना, प्लीज मेरे लिए पढ़ लो प्लीज। अच्छा, अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो ठीक है। जब दो पंछी उस वैली और बिलीव से गुजरते हैं तो उनके बीच का सारा भरोसा टूट जाता है। इतनी परेशानियों से गुजरने के बाद सिर्फ एक वैली की वजह से उनके बीच दूरी आ जाती है, पर असल में भरोसा टूटा नहीं था। उन दोनों ने कभी खुल के बात ही नहीं की थी। भले ही हम फेरी टेल्स पे भरोसा नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो सच हो जाती है। जब ऐसा लगता है कि हाथों से सब कुछ छूट रहा है, तब सिर्फ एक वर्ड और एक सेंटेंस सब कुछ बदल सकता है। काश ये पंछी फिर उसी वैली से गुजरे, काश इस बार वो एक दूसरे पर पहले से भी ज्यादा भरोसा दिखाए, काश इनके बीच आई हुई सारी दूरियां मिट जाए और ये एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताए। काश वो पंछी फिर से मिल जाए और उनकी वो अधूरी कहानी फिर से एक नया रुख ले ले और वो दोनों फिर से एक हो जाए। आप गए नहीं? नहीं गया। जाने वाले थे ना? तुम चाहती हो मैं जाऊं? आपको जाना है? अगर तुम चाहती हो तो चला जाऊंगा। मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन ऐसा ही चलता रहेगा। Thank you.
नहीं जा पाता। मेरी बोट टूट गई। ऐसी बात है, ठीक है। एकी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आने वाले हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। ओ सनम, मेरी मॉम जैसा बिहेव करना बंद करो। मैं खुद फाइल्स ला सकता हूँ। ये सब क्या है? ये सब ऐसे हैं, इंटरव्यूज, सिटीज, फिर पेजेस, ये तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, बाद में बताऊंगा तुम्हें। कैसे हो? हेलो मिस्टर अजीज, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी, ये है इगेत, मेरा पब्लिशर। ग्लैड टू मीट यू। हेलो मिस्टर अजीज, आपके बारे में बहुत सुना है। इगेत पोलैंड का भाई है। तुम यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकोगे? एक्चुअली जान की बोल, मैं यहीं रहूंगा। कितना अच्छा है, मैं भी यहीं रहूंगा। मिलते हैं फिर। सनम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम राइटर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीती हो। कांग्रेचुलेशंस सनम। क्या कह रहे हो? सच में मैं बहुत खुश होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात है, तुम राइटर ऑफ द ईयर बन गई। क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया बेटा, कांग्रेचुलेशंस, तुम ये डिजर्व करती हो। थैंक यू वेरी मच। चलो हम अंदर जाते हैं, हमें बहुत सारा काम करना है। अब तुम्हारे पास एक बुकलेट तैयार करवानी है, ओके? ठीक है, मैं ये क्रीम बुलुत को देती हूँ। तुम जाओ, हम बाद में काम करते हैं। सॉरी। सनम की बुक पढ़ी तुमने? अभी अभी स्टार्ट की है, काफी इंटरेस्ट से पढ़ रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। मैंने रास्ते में आते वक्त एक एम्प्टी हट देखा, तुम्हें पता है उसका ओनर कौन है? मिसेस मेरेबन। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मुझे वहाँ मेरी चीजें रखने देंगी, या तुम्हें उस बात को लेकर परेशानी होगी? जब तक मेरी बोट रिपेयर नहीं हो जाती तब तक मैं सोच रहा था। नहीं वैसे क्या आप वहाँ कंफर्टेबली रह पाओगे? वैसे हमारा पहला हट, मेरा पहला हट वैसा ही तो था, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मैं वहीं रुकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे डैड मुझे इंसिस्ट कर रहे थे, वो चाहते हैं कि मैं उनके करीब रहूं। हाँ क्यों नहीं, आपने काफी वक्त उनको नहीं देखा। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वैसे पोर्ट रिपेयर होने में कितना वक्त लगेगा? अगर तुम ये जानना चाहती हो कि मैं यहाँ कब तक हूँ, तो मैं ये बता दूँ कि मैं यहाँ ज्यादा दिनों के लिए नहीं हूँ। फिक्र मत करो, वैसे जब तुम बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया कि तुम कहीं आपसे गलती हुई है कोई। जिन चीजों की आप वैल्यू करते हैं उन्हें छोड़कर जाना मुश्किल होता है।
कितना खूबसूरत दिन है, आज काम करने में तो बहुत मजा आने वाला है, सच कहता हूँ। जॉन, मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा कि आप अभी यहाँ हो। ओह, वेलकम अगेन। जॉन, आप वापस आ गए। वेलकम बैक जॉन, आप वापस आ गए। यहाँ देखकर आपको यकीन नहीं हो रहा, सचमुच जॉन द्विवेदी है। मतलब अगर जॉन द्विवेदी यहाँ आ सकते हैं तो कस्टमर भी जरूर आएंगे, लिख कर ले लो ये बात। हाँ। मेरी बोर्ड टूट गई है इसलिए मैं बाद में। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें भी बाजार जाना चाहिए, बहुत सारे काम है, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, चलो चलते हैं। हाँ ठीक है जे, सब रेडी है? हाँ सब कुछ रेडी है सनम। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। मैं करता हूँ। मैंने आपको कहीं देखा है, क्या मैं सच कह रहा हूं ना? जॉन डेविड हो ना? जे जे। यस जॉन। अगर तुम्हें हार्डवेयर स्टोर नजर आए तो ये चेक कर लेना। ओके मिस्टर जॉन, नो प्रॉब्लम, मैं कर लूंगा, फिक्र मत कीजिए, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, मैं कर लूंगा। जॉन, मैं आपके साथ आती हूँ। नॉट नीडेड, मेरे पास काफी काम है। पर उनके कपड़े बाजार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, समझे? मेरे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? मेरा खुद का स्मार्ट कैजुअल स्टाइल है और मुझे स्पोर्ट्स वेयर बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। जल्दी आ जाओ। अरे चिल्ला क्यों रहे हो, मैं भागती भी आ जाऊंगी। ठीक है, तुम नहीं होती तो क्या होता। थैंक यू सनम। ठीक है, तुम भागते हुए ही आना। हाँ हाँ ऐसे ही करूंगी, अब जाओ। वो आ गए। मेरे लिए नहीं, वो जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ रहे या ना रहे। ओ, मुझे लगता है मुझे अब थेरेपी की जरूरत है। चलो ऐसे ही करते हैं, हम थेरेपी करते हैं। सनम, कैसा चल रहा है? मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं लिख नहीं पाती, जब तुम भूल जाते हो। इसका क्या मतलब है? Well, मेरा मतलब है अगर बहुत वक्त हो जाता है तो मैं कुछ भी लिख नहीं पाती और तुम भूल जाते हो कि कैसे लिखना है। मैंने खुद के लिए एक छोटा सा स्टूडियो बनाया है, जब मुझे चीजें पीछे छोड़नी होती तो मैं यहीं आकर रहने लग जाता हूँ, फोन कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं।
आपके लिए खाना लाई हूँ, मुझे लगा आपको भूख लगी होगी। थैंक यू। रिपेयरिंग का काम फिनिश हो गया? जल्दी। काश मैं तुम्हें चाय पिला पाता। मैंने चाय पीना कम कर दिया है। सी यू। मैंने भी। क्या कहा उन्होंने? मुझे कैसे पता होगा, वो अभी भी बॉस ही हैं, लेकिन पुराने नहीं, नहीं मुझे नहीं लगता ये कंपनी के बारे के लिए में। चुप हो जाओ। हमने तो पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया था, है ना? समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने हमें क्यों बुलाया। वेलकम ऑल माय फ्रेंड। वेलकम मिस्टर अजीज। कैसे हैं मिस्टर अजीज? मेरे पास बहुत बढ़िया न्यूज़ है आपके लिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे तुम भी यहाँ पर हो, तुम तो इंटरेस्टेड होंगे ही। प्लीज यहाँ पर आओ, बैठ जाओ। यस यस। ता 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 ता। फिक्र हरिका रिस्पॉन्सिबल होंगी एक इम्पोर्टेंट सोशल प्रोजेक्ट के लिए। सनम को इस साल का बेस्ट राइटर चुना गया है और एसोसिएशन जो उसे अवार्ड देने वाली है चाहते हैं कि उनके लिए वो बुकलेट्स तैयार करे। जितने भी पार्टिसिपेंट आर्टिस्ट हैं उनके लिए मैंने यूएस एसोसिएशन के जनरल डायरेक्टर को भी बुलाया है जो मेरा काफी पुराना दोस्त है। तो हम उन्हें एक ऐसा एलिगेंट डिजाइन बुक ऑफर करेंगे उस बुकलेट के बजाय ताकि वो कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उससे हम एक कैंपेन चला पाएंगे। ब्रावो! ब्रावो! वाह! मैं हमेशा जानता था ऐसा कुछ ना कुछ होगा। सही कहा मिस्टर अजीज, हमको तो ये पहले से ही पता था और जो कुछ भी चेंज होगा तो आप मुझे एडवांस में बताएंगे। ओके, तुम ये अभी सुनिए। हाँ तो मेरे दोस्तों, हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं और हमारा एम है कि जितना भी इनकम होगा उसे हम डोनेट करेंगे जो इनकम आर्टिस्ट के हेल्प से होगा, जैसे कि सिनेम एसोसिएशन नीडी लोगों को देना होगा। और इस कैंपेन को हम पूरे कंट्री में स्प्रेड करना चाहते हैं। क्या वो कहते मिस्टर अजीज, ये तो बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट जॉब है जो फिक्री हरिका कंपनी के साथ दूसरी बार होगा। नहीं, हमारे पास हार्डवेयर स्टोर का कैंपेन भी है मिस्टर अजीज, हमने उसे तैयार कर लिया है। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो? थैंक यू वेरी मच। ये काफी अच्छा सोच समझा प्रोजेक्ट है लेकिन ये एजेंसी नहीं है। बुक को पब्लिश करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और हमारे पास तो कंप्लीट टीम भी नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं हम। डेरेन, जे जे और मैं सब कुछ संभाल लेंगे, टेंशन मत लो। प्लीज मुझे भी टीम में ऐड कीजिए, मैं एक छोटा सा हिस्सा बनना चाहता हूँ प्लीज मिस्टर अजीज। हाँ, डेरेन, जे जे, मैं, मुझो और मैं मेन फ्लोर की तरफ ध्यान देंगे और जो आर्टिस्ट का पार्ट है मैं उसे खूबसूरत हाथों में देना चाहता हूँ जिसे मिसेस मेरीबान कॉस्ट्यूम स्टेज डेकोरेशन डिजाइन। और अब हाँ, जान सरनेम की फोटो लेना। और अब हमें क्या क्या काम करना है जरा बताना, क्या क्या बचे हैं? और सनम को अनकंफर्टेबल फील होगा डैड, इससे अच्छा है आप कोई और देखिए। कुछ तो बोलो। मुझे ही कुछ करना होगा। एक्चुअली हम लोगों ने इससे पहले काफी शूटिंग्स की हैं, हमें काफी एक्सपीरियंस है। मिस्टर जान ने सनम के काफी फोटोज लिए हैं, इसलिए मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आपने साथ में काम किया है और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे हैं तो ये एक छोटी सी शूटिंग होगी। सनम, वो तो बहुत जल्दी से ही हो जाएगा। ये एक सोशल एड प्रोजेक्ट है और मुझे पता है इस टाइप के प्रोजेक्ट तुम्हें पसंद है। तुम्हें तो पता ही है कि हमारा बजट कितना लिमिटेड होता है। तुम क्या कहोगी? क्या सनम, जल्दी बोलो। छोटा सा इशू है सनम, कम ऑन।
क्या बोलो सर? हाँ गुड, ठीक है, बाकी तुम लोग संभाल लेना जैसा तुम चाहो। हाँ ठीक है, हाँ चलो काम करें। चलो चलो, अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं मुजफ्फर, चलो।